परिचय बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय शोध प्रमुख अनुसूचित मोर्चा से डॉक्टर अनिल कुमार हूँ। किस तरह से देखा है आप इस उपचुनाव को? उपचुनाव तो अच्छा ही है। हमारी प्रत्याशी जो हैं श्री दारा सिंह चौहान जी भारी मतों से जीत रहे हैं और हम लोग भी जिताने के लिए जो अपने तरफ से प्रयास से करने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार क्षेत्र में निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, आप लोग क्षेत्रों में जाकर लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं और किस तरह का कैंपेन चला रहे हैं? देखिए, पार्टी जो भी खड़ा होती है, भाई ये तो चुनाव है, हर दल के नेता खड़े होंगे और अपना अपना वर्चस्व साबित करने के लिए लगे रहेंगे। और हम समझते हैं कि जब तक चुनाव परिणाम नहीं निकलता है, हर प्रत्याशी ही जीतता रहता है अपने आप में। तो हम ये नहीं कहते हैं कि बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी की नीति रही है, हैं, उसको सभी समझ रहे हैं। जिस तरह से गुंडा उन्मूलन जो कार्यक्रम चला है हमारे योगी जी की महाराज जी के माध्यम से, ये सफल हो रहा है। इसलिए समाज में अब लोग समय को देखकर, स्थिति को समझकर ही वोट दे रहे हैं और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है सामाजिक। आज का जो कार्यक्रम किया गया था दलित समाज को साधने के लिए, तो कितना असर पड़ेगा आज के इस कार्यक्रम से दलित समाज का, क्योंकि दलित समाज ही तय करेंगे कि विधायक कौन होगा? ऐसा देखिए, हम लोगों दलित से भी दलित समाज से संबंधित हैं, तो हम लोग तो दलित को मोटिवेट करने में लगे ही हैं, विचारधारा का परिवर्तन करने में लगे हैं। क्योंकि देखिए, दलित एक तरह से बहुजन लोग हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार वार खड़े हैं उसमें दलित के वोटर की सहभागिता बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने स्थिति परिस्थिति को बताते हुए दलित वोटरों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें, यही हमारा भविष्य सुनिश्चित करेंगे। मगर यहाँ पे जो प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और ये बीएसपी को भी छोड़ चुके हैं, तो क्या उसका भी कुछ असर दिखेगा? देखिए, ये तो परिस्थितियों की बात है। अब तो इस तरह कहेंगे तो हम यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया, तब इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये तो दल की बात है, अब समय की बात है। आज हम जिसके साथ हैं हम उसके साथ निभाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम तो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि 100 से 100% वोट मिले, फिर भी हम 100 नहीं कहेंगे तो कम से कम 50 से 60% वोट भी अगर मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। फोटो लीजिए। अपना परिचय? राजेश कुमार पांडे हमारा नाम है। किस तरह का कार्यक्रम था आज? ये चुनावी माहौल आप देख ही रहे हैं, यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता कार्यक्रम था, दलित सम्मेलन था और इसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी आए थे, सूर्य प्रताप शाही आए थे, माननीय के शर्मा जी आए थे और क्षेत्रीय नेता भी थे, सारे लोग थे इसमें। तो क्या लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम कराया गया तो दलित वोटरों को साधने की जो रणनीति बना रही है कितनी सफलता मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज में हर एक वर्ग में बहुत ज़्यादा काम किया है, शौचालय दिया, आवास दिया, किसान निधि सम्मान योजना से लाभ दिया, इसलिए सारा समाज सारे खुशहाल हैं और दलित समाज भी खुशहाल है। दलित वर्ग का सारा वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और कमल यहाँ से जीतेगा। कितना अंतर होगा जी? कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी।